नमस्कार दोस्तों, पवन वाघ अकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में आज हम कर रहे हैं परमुटेशंस व्हेन सम ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल। अब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि हम जब किसी भी अरेंजमेंट का हम परमुटेशन निकालते हैं तो होता क्या है कि कभी कभी कुछ ऑब्जेक्ट सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। और हम अभी तक बात किसकी कर रहे थे, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे थे। लेकिन जब कुछ ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हो जाए तो क्या करेंगे, आज हम वही सीखने वाले। साथ ही में आज हम एक्सरसाइज 3.4 के भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए क्योंकि ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो की मदद से जब भी आगे इस टाइप के कुछ भी क्वेश्चन आपको आएंगे तो डेफिनेटली आप उनके आंसर्स निकाल पाओगे। साथ ही में ये जो टॉपिक है ये सीईटी और जेडब्ल्यू के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरा का पूरा बेसिक है जो हमने टेक्स्ट बुक में देखे रखा है, ये पूरा बेस है। ये बेस अगर आपका पक्का होगा तो इस पर जो आपकी इमारत है वो अच्छी ही खड़ी होने वाली है। दोस्तों, आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और चैनल, साथ ही में बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्या देखे रखा है, परमुटेशन When some objects are identical, यहाँ पर आपको कुछ चीजें देखने मिलेगी कि यहाँ बता के रखा है कि consider the problem arranging the letters of the words goods। अब जैसे good की बात करें तो good में जो O है वो double आ रहा है, इंडिया में I double आ रहा है, जियोलॉजी में O double आ रहा है, G double आ रहा है, ठीक है, मैथमेटिक्स में M double आ रहा है, A double आ रहा है, T double आ रहा है ना? तो ये कुछ words है। Words some letters are occur more than once and hence all the letters are not distinct। तो यहाँ पर सारे ऑब्जेक्ट लेटर्स जो है वो डिस्टिंक्ट नहीं है और इसी के लिए हम इससे अरेंजमेंट का क्या करेंगे। हमारी जो प्रीवियस बुक थी उसमें ऐसा कहा था कि अगर एन आपके पास में लेटर्स है, ठीक है, अगर आपके पास में एन लेटर्स हैं और पी जो है वो सेम है, वन टाइप के है हम बोले इसको, ठीक है, पी जो है वो वन टाइप के है, क्यू जो है वो अगेन सेम है, वो अनादर टाइप के है, और R जो है अगेन सेम है। अब इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो P है ये हमेशा छोटा होगा N से, ये Q है जो हमेशा छोटा होगा N से, R भी हमेशा छोटा होगा N से। हाँ, अगर एक आधा लेटर है, सिर्फ एक ही लेटर रिपीट हो रहा है तो वो लेस देन इक्वल देन लिखते हैं उसको, लेकिन यहाँ पर मैंने तीन लेटर्स लिखे हैं तो वो रिपीट आ रहा है। तो ऐसे केस में जब आप परमुटेशन निकालते हो तो सीधे सीधे आपको क्या लगाना होता है, बेसिक फार्मूला लगाना होता है, That is factorial n upon में factorial p into factorial q into factorial r। आप चाहे तो इस p को abc लिख सकते हैं, हमारी जो प्रीवियस बुक थी उसमें पी क्यू आर उसने देके रखा था, ठीक है, तो आपके ऊपर है आप उसको कैसे लेते हो। ठीक है, अगर ऐसा हो कि n ऑब्जेक्ट्स है जिसमें से n ऑब्जेक्ट्स में से a ऑब्जेक्ट जो है एक जैसे, b ऑब्जेक्ट जो है एक जैसे, c ऑब्जेक्ट जो है एक जैसे, तो आप उसका फार्मूला लिखोगे फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल ए फैक्टोरियल बी फैक्टोरियल सी, और यहाँ कुछ नहीं लिखा, मतलब यहाँ आपस में मल्टीप्लाई में है। अब वही चीज से यह समझा के रखिए, कंसिडर द लेटर वर्ड ऑड। अब ऑड में क्या बोलते हैं कि दो डी है, ऑड में कितने डी है, ऑड में यहां पर दो डी आ रहे हैं, टू डीज आर देयर, ओके। तो अगर हम इसके अरेंजमेंट कैसे करेंगे तो देखो इसे इसके सिक्स अरेंजमेंट करके बताए कि ओ डी वन डी टू ओ डी टू डी वन, मतलब प्लेस बदल बदल के। हमको पता है कि तीन लेटर अगर हो तो उनको हम अरेंज करेंगे तो फैक्टोरियल थ्री आएगा, इतना तो हमको पता है, तो हम उसका अरेंजमेंट फैक्टोरियल थ्री कर लेंगे, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि अगर कुछ रिपीट आ रहा है तो जो रिपीट आ रहा है ना उसको आपको हटाना पड़ेगा, और रिपीट क्या आएगा, रिपीट आएगा कुछ यहाँ पर देखो, बट डी वन डी टू आर आइडेंटिकल सेम है, तो ये वाली जो पोजिशन है ये वाली एक, ये किसके इसके इक्वल होगी, इन दोनों के और इन दोनों के इक्वल होगी, तो मतलब कि यहाँ पर दो जो है वो कम हो गए, फैक्टोरियल टू कम हो गए, तो फैक्टोरियल टू यहाँ कम हो जाएगा डी डबल एस के लिए, तो बचेगा सिर्फ थ्री वे, थ्री वेज बोलेगा। तो अगर मैं इसी को इसके हिसाब से जमा लेता तो ये क्या होता, इसके हिसाब से जमाता तो क्या होता कि भैया फैक्टोरियल एन अपॉन क्या बोला है, फैक्टोरियल ए फैक्टोरियल बी ए फैक्टोरियल सी। अब यहाँ पर एन मतलब कितना था, यहाँ एन मतलब यहाँ पर थ्री है, और रिपीट कितना है, सिर्फ एक ही रिपीट है तो एक को लिखेंगे, एक कितनी बार, दो बार है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो थ्री इंटू फैक्टोरियल टू लिखोगे और अपॉन में फैक्टोरियल टू लिखोगे, कैंसिल हो जाएगा, सो विल गेट द आंसर थ्री। तो देखिए यहाँ पर भी आंसर थ्री आया, ठीक है। चलिए इसका जो थ्योरम है उसको समझ लेते हैं, हम थ्योरम को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या बोलता है थ्योरम, थोड़ा समझ लो। थ्योरम बोलता है कंसिडर अ सेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। देखिए भाई,
टोटल कितने हैं ऑब्जेक्ट्स है, एन ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट्स है। वेयर एन वन ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल, एन वन जो है वो आइडेंटिकल है, ठीक है, अगर वो आइडेंटिकल है मतलब वो एक तरह के है, देन द रिमेनिंग कितने होंगे, फिर रिमेनिंग किसको बोलेंगे हम, हम रिमेनिंग बोलेंगे भैया एन में से एन वन माइनस कर दो तो आपको रिमेनिंग मिल जाएंगे, और एन वन जो है वो क्या है, एन वन जो है वो छोटा होता है एन से, तो इसको लिखने के लिए द नंबर ऑफ द परमुटेशन, देख लो समझ लो, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स इज फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन वन, ओके, तो ऐसे ही है, और अगर एन वन के साथ में दूसरा ऑब्जेक्ट हो तो एन वन एन टू, और अगर ज्यादा ऑब्जेक्ट हो तो एन वन एन टू एन थ्री एन के तक जितने हो उतने, तो बस ये रूल आपको लगाना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए हम एक काम करते हैं, हम अपनी एक्सरसाइज पे पहुंचते हैं, वहां पर जो क्वेश्चंस दिए उनको करते हैं, बहुत सिंपल है ये एक्सरसाइज, आप फटाफट करने वाले हो, कुछ भी इसमें नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ बेसिक ये वाला फार्मूला ध्यान में रखना है, कौन सा वाला, लेट मी ड्रॉ अगेन, ये जो फार्मूला है ये आपको ध्यान रखना है आइडेंटिकल के लिए, पी टाइप के अलग, क्यू टाइप के अलग और आर टाइप के अलग, बस इसमें आपका काम हो जाएगा। चलिए हम एक्सरसाइज 3.4 पे आते हैं, एक्सरसाइज 3.4 क्या देखे रखी है हमको, यहाँ हमको देखे रखा है फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ द लेटर इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब दिव्या देखे रखा है, दिव्या में कुछ रिपीटेशन है, दिव्या यहाँ लिखिए, दिव्या हैज फाइव लेटर, कितने लेटर्स है, फाइव लेटर्स है, एक डी है, एक आई है, एक वी है, एक वाई है और एक ए है, क्या कोई रिपीट है यहाँ पर, क्या कुछ रिपीटेशन हो रहा है, क्या कोई ऐसा लेटर है जो रिपीट आ रहा है, हियर नो लेटर इज ऑकरिंग मोर देन वन टाइम, एक बार से कोई रिपीट नहीं आ रहा है, सो दैट टोटल अरेंजमेंट्स, आपको यहाँ क्या लिखना है, सो दैट टोटल अरेंजमेंट्स, टोटल अरेंजमेंट ये होगा फैक्टोरियल फाइव, फैक्टोरियल फाइव क्या होता है, सॉल्व कर लो, फाइव फोर जा 23 जा 62 जा 120 वन जा 120, तो आंसर आ जाएगा आपको 120, टोटल अरेंजमेंट्स कितने होंगे, टोटल अरेंजमेंट्स होंगे दैट इज 120, ये आपका आंसर हो गया, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक, तो आसानी से आप इसको कर सकते हैं। चलिए इसको मैं थोड़ा सा ये कर लूँ, हाईलाइट कर लूँ, ये हो गया जी, ठीक है, ऐसे इसको करना है। अब अगला जो देख रखा है शांताराम, मेरे सिर के ऊपर ही है शांताराम, शांताराम को कैसे करेंगे, तो रिपीट क्या क्या हो रहा है, देखो ए एक बार, ए एक बार, ए एक बार, ए तीन बार आ रहा है, और कुछ रिपीट हो रहा है क्या, कलर बदल के चेक करते हैं, और कुछ रिपीट आ रहा है क्या, देखो एस एच एन टी आर एम, कुछ भी रिपीट नहीं है, ओके, यहाँ लिखिए, यहां पर आपको लिखना है शांताराम वर्ड इज मेड बाय, कितने लेटर्स है, कितने लेटर्स है चेक करो, लेटर्स कितने हैं, एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, छह है, सात है, आठ है, नौ, मेड बाय नाइन लेटर्स, वेयर वेयर ए is occurring three times, ए कितनी बार है, तीन बार है, ओके, तो आपको क्या करना है, यह लिखिए, टोटल अरेंजमेंट्स ऑफ शांताराम वेयर A is occurring और A is repeated three times, तो that is factorial 9 upon factorial, क्या करेंगे, तीन बार आ रहा तो factorial 3 कर लो, ये हो जाएगा 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into factorial 3 upon factorial 3, factorial 3 कट जाएगा, ये 9 8 जा जो होगा 9 8 जा 72, फिर 7 6 जा 42 और 5 4 जा 20, तो ये हो जाएगा, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 840 होता है, तो 72 into 840,
तो यहां पर हम लिख लें कि अगर 72 इंटू 840 कर लें, सिर्फ 84 ही करें तो क्या होगा, 4 टू 8 कैरी 2, कैरी तो कुछ भी नहीं रहेगा, 4 7 जा 28, ठीक है, यहां पर ये लगा लो, और 8 टू जा 6 3 कैरी 1, 8 7 जा 56 और 157, ठीक है, तो 84106 तो ये आया हमारा, दैट इज 6048 और एक जीरो ये लगा लो, तो 60480 इस तरह से ये आएगा। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन हम करते हैं, अगले वाले पर आते हैं, रिप्रेजेंट पर। ठीक है, मैं थोड़ा इनको ऊपर ले लूं, दोनों को, इन दोनों को मैं ऊपर ले लेता हूँ, ज्यादा सही रहेगा। इसको भी इधर लिख लेते हैं, इसको भी इधर लिख लेते हैं, ठीक है। अब रिप्रेजेंट में क्या रिपीट हो रहा है, देखो, ई एक बार, ई दो बार, ई तीन बार, साथ ही में आर भी रिपीट हो रहा है कि देखो, आर एक बार, आर दो बार, और कुछ रिपीट हो रहा है क्या? जी नहीं। अच्छा, रिप्रेजेंट इज मेड अप बाय हाउ मेनी लेटर्स, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, ठीक है, ये भी नौ के बाद बन रहा है, लेकिन ओके, यहाँ लिखिए रिप्रेजेंट इज फॉर्म्ड बाय नाइन लेटर्स वेयर, E is repeating, E कितनी बार आ रहा है, एक दो तीन, थ्री टाइम्स, और साथ ही में क्या बोलता है, R is repeating टू टाइम्स। तो अब यहां क्लियर हो गया है कि हमारे पास कुल मिला के नौ लेटर्स हैं, जिसमें से तीन जो है वो E है और दो बार जो है वो R है। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे टोटल अरेंजमेंट यहां लिखेंगे और अपना फार्मूला लगा देंगे, टोटल अरेंजमेंट्स क्या होगा, टोटल अरेंजमेंट होगा फैक्टोरियल 9 अपॉन में फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 9 क्या होगा भाई, 9 को नीचे ले आओ, नीचे लिख लो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 2, ये काट दो इसको, 2 से इसको काट दो दो बार, क्या आ रहा देखो, 9 8 जा 72, 7 6 जा 42, 5 जा 210, 2 जा 420, और जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे 420 में 72 से 0 कर दो, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 84 हो गया, 7 से किया तो दैट इज 7 0 जा 0, 7 2 जा 14, कैरी 1, 7 4 ये 29, कर लो टोटल 0 4 2 1 0 3 30,240, क्या आया 30,240 इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर आप इसे लिखना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इस पार्ट को मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि इसकी हमको ज़रूरत नहीं है। ऊपर आते हैं कंबाइन, कंबाइन में क्या रिपीट आ रहा भैया, सी ओ एम आई एन, कुछ भी नहीं आ रहा है, कितने लेटर्स हैं ये, 7 लेटर्स हैं। ओके, तो यहां लिखिए, अगला क्वेश्चन है कंबाइन, कंबाइन वर्ड कैसे बना है, ये आपके 7 लेटर्स से मिलके बना है। देखिए ये फर्स्ट है, लेट मी राइट द नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7, कुछ रिपीट है, कुछ भी रिपीट नहीं है। ओके, तो यहां लिखिए कंबाइन, कंबाइन वर्ड इज फॉर्म्ड बाय 7 लेटर्स so that total arrangements कितने होंगे, factorial 7 मंजे मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 7 into 6 जो भी होगा इसका आंसर आप खुद मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए। ठीक है, आसानी से इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आखिरी वाला जो लेटर है बाल भारती है, बाल भारती भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कितने लेटर है पहले गिन लो, एक, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, दस है। अब एक जैसे कौन से, बी देखो, बी कितनी बार है, दो बार आ गया। उसके बाद में अगला लेटर क्या है, ए, एक बार दो बार तीन बार, ए तीन बार आ गया। उसके बाद में अगला वाला क्या है, रिपीट वाला, एल एच आर आर टी आई, कुछ भी नहीं, इतने हैं। ठीक है, तो रिपीट क्या है देखो, टोटल लेटर्स कितने हैं,
टोटल लेटर्स जो है वो 10 है, ठीक है, बी कमिंग 2 टाइम्स और ए कितनी बार है, 3 टाइम्स है, तो टोटल अरेंजमेंट कितने हो गए भाई, टोटल अरेंजमेंट्स होंगे दैट इज फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3। बस जी इसको सॉल्व कर लो, कैसे करेंगे, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। और एक काम करते हैं, स्केल को नीचे ले आते हैं, स्केल की जरूरत है हमको, यहाँ पर लाइन खींच लो, ये हो गया 2 फैक्टोरियल को 2 ही लिख दो और 3 फैक्टोरियल को 3 लिख दो, क्या करेंगे यहाँ से इसको कैंसिल कर देते हैं, 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया है ना, 2 से इसको काट दो 2 बार, ठीक है, अभी क्या हो गया, 10 का 10, 9 8 जा 72, 6 7 जा 42, 42 10 जा 420, एक जीरो और बढ़ जाएगा, 72 इंटू 4200। अभी हमने पीछे मल्टीप्लाई किया था 72, ये कितना आ रहा था 30,240, तो 30,240 आता है इन दोनों का मल्टीप्लाई 420 का और 72 का, तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, 30,240 आया था, एक जीरो और बढ़ा दो तो ये इसका आंसर होगा। इस तरह के टोटल अरेंजमेंट्स यहाँ पर होंगे, ठीक है, टू अरेंज दी बाल भारती वर्ड, बहुत सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। चलिए अगर आप इसे लिखना चाहें तो सारे के सारे आप लिख सकते हैं, मैं वन बाय वन आपको ये कर दूँ। देखिए पहले ये चारों हैं, इन चारों का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, उसके बाद ये अगला है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, आइए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन करते हैं, क्या दे के रखा है, यू हैव टू आइडेंटिकल बुक्स ऑफ इंग्लिश, ओके, इंग्लिश की कितनी बुक्स है आपके पास में, आपके पास इंग्लिश की 2 बुक्स है, ठीक है, आइडेंटिकल मतलब एक ही टाइप की बुक्स, ठीक है, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर लूँ, ओके, क्या बोलता है, 2 बुक्स जो है वो आपकी इंग्लिश की है, फिर बोलता है यू हैव 3 आइडेंटिकल बुक्स ऑफ हिंदी, ओके, हिंदी की बुक्स कितनी है, हिंदी की बुक्स आपके पास में है दैट इज 3 बुक्स हैं जो कि आइडेंटिकल है, फिर बोलता है 4 आइडेंटिकल बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स, ओके, मैथ्स की बुक्स ज़्यादा है ये, ठीक है, मैथ्स ज़्यादा पढ़ना चाहिए, हमारे क्वेश्चन से भी समझ में आता है, ओके, तो मैथमेटिक्स की बुक कितनी है, मैथमेटिक्स की 4 बुक्स है, फाइंड द नंबर ऑफ द डिस्टिंक्ट वे ऑफ द अरेंजिंग द बुक्स देमसेल्व्स, ओके, टोटल बुक्स कितनी हो गई, 2 इंग्लिश की, 3 हिंदी की और 4 मैथ्स की, टोटल 9 हो गई, तो टोटल अरेंजमेंट्स क्या होंगे इनके, इनके टोटल अरेंजमेंट्स होंगे दैट इज फैक्टोरियल 9 टोटल अपॉन में इसका रूलर ले आओ, कहाँ है रूलर, नीचे है, 9 अपॉन में कितना है ये 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल, चलिए सॉल्व कर लो इसको, 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल को क्या करेंगे, इसको लिख लो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 इंटू 3 टू जा 6 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कैंसिल, फिर उसके बाद में क्या होगा, 3 टू जा 6 भी कैंसिल है, 6 से 3 टू जा 6 कैंसिल हो गया और 2 से इसको 8 को काट दो 4 टाइम, तो क्या आ रहा है आपको मिल रहा है दैट इज 9 4 जा 36 इंटू 5 7 जा 35 का मल्टीप्लाई अगर करते हैं हम तो हमको मिलता है 1235, ओके, 35 का मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 5 जा 25 1225 और 35 ऐड कर दो उसमें 0 6 1260 आंसर आएगा 1260 वेज, ओके। चलिए अगर आप इसे लिखना चाहते हो स्क्रीन शॉट ले लीजिए, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या देके रखा है, अ कॉइन इज टॉस्ड 8 टाइम्स इन हाउ मेनी वेज कैन वी ऑब्टेन 4 हेड्स एंड 4 टेल्स, ओके, एंड एटलीस्ट 6 हेड्स, 6 हेड कम से कम आए या फिर 4 हेड 4 टेल आए, तो 2 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, 4 टेल्स बोलता है एंड 4 हेड्स बोलता है, 4 हेड्स एंड 4 टेल्स, ठीक है, ये कंडीशन 1 है और कंडीशन बी क्या बोलता है,
कि एटलीस्ट 6 हेड्स, ये कंडीशन बोल रहा है। तो यहां पर अभी अगर देखें हम तो 8 टाइम टॉस कर रहा है ना, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, यहां हम लिखेंगे अ कॉइन इज टॉस्ड एट टाइम्स, और अगर 8 टाइम्स उसको टॉस किया जा रहा है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है भैया कि n जो है वो 8 है। n कितना है? n है भैया 8, सबसे पहला काम। तो इसको बॉक्स में लिख लो, हमारे पास n 8 है। अच्छा, 4 हेड, हेड कितनी बार ले रहा है? हेड ले रहा है भैया, दैट इज हेड्स 4 टाइम्स आ रहा है और टेल्स भी 4 टाइम्स आ रहा है। तो इसके टोटल अरेंजमेंट कैसे होंगे? टोटल अरेंजमेंट्स जो होंगे वो होंगे, दैट इज टोटल अरेंजमेंट्स, दैट इज फैक्टोरियल 4 अपॉन 8 अपॉन में फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 होंगे। तो उसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करेंगे? 8 को लिख दो आप, थोड़ा मैं यहाँ पर एक लाइन खींच लेता हूँ, आपको सही रहेगा। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4, एक फैक्टोरियल 4 को ऐसे लिखो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और एक फैक्टोरियल 4 ऐसे लिख दो। अब इसको काट दो भाई, इसको अब काट दो आप, देखो ये 4 से तो 4 कट गया, बचता क्या है? बचता है भैया यहाँ पर ये 3 टू जा 6 भी काट दो और ये 4 टू जा भी काट दो, तो 7 5 जा 35, 2 जा 70 वेज होंगे आपको कॉइन को ये करने के। टोटल अरेंजमेंट कितने आए यहाँ पर? टोटल अरेंजमेंट्स आए हैं दैट इज 70 वेज। ठीक है, इसको लगा दो बॉक्स, ये आपका पहला आंसर हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा मैं छोटा कर लूँ, मतलब आप पूरा देख सके इसको। ठीक है, पहला वाला पार्ट हो गया। ठीक, अब हम अगले पार्ट पे आते हैं। अगला पार्ट बोलता है कि एटलीस्ट 6 हेड्स। एटलीस्ट 6 हेड मींस क्या? एटलीस्ट 6 हेड्स मींस इट कैन बी 7 और 8 ऑल्सो, दोनों हो सकते हैं। तो फिर कैसे करेंगे? तो समझ लो, सो यहां लिखो कि यहां अगर 6 हेड्स होते हैं तो 6 हेड के लिए कंडीशन क्या बनती है? अरेंजमेंट्स फॉर 6 हेड्स, देखिए यहां पर मैं ऐसे लिखता हूं, थोड़ा मैं यहां पर एक काम करते हैं, हम लाइन खींच लेते हैं तो सही रहेगा, क्योंकि लाइन खींचेंगे ना तो फिर हमको बराबर उसको करते आएगा, अगर लाइन नहीं खींचते तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, चलिए ऊपर आ जाते हैं, यहां पर लाइन खींच लेता हूं मैं, यहां लिखिए अरेंजमेंट्स फॉर 6 हेड्स। तो क्या होगा? फैक्टोरियल 8, 6 हेड्स, और फिर क्या हो जाएगा? 6 हेड्स होंगे तो फिर वहां पर 2 टेल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2 होगा। तो उसका सॉल्यूशन क्या आएगा? 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2, तो कट गया, फैक्टोरियल 2 तो 2 ही होता है, काट देंगे इसको, 2 को आप 2 इंटू 1 लिख दो, 2 से 4 काट दो, 7 4 जाए 28 आ गया, पहली कंडीशन। फिर क्या बोलता है? फिर बोलता है भैया कि अगर 6, एटलीस्ट 6 बोला है ना, तो फिर 7 भी हो सकते हैं। तो यह लिखो अरेंजमेंट्स फॉर 7 हेड्स। 7 हेड्स हो गए तो फिर एक ही टेल होगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 7, तो फैक्टोरियल 8 को 8 इंटू फैक्टोरियल 7 लिख सकते हैं आप, अपॉन में फैक्टोरियल 7 कट गया ही, तो बचेगा 8। और फिर अगला वाला बोलता है, दैट इज अगला वाला बोलता है कि अरेंजमेंट्स फॉर 8 हेड्स। अब 8 हो जाए तो क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 हो जाएगा, तो आंसर 1 आ जाएगा। तो अब क्या होगा? टोटल पॉसिबल वेज, ठीक है, टोटल पॉसिबल वेज इसको ऊपर कर लेते हैं, यहां लिखो टोटल पॉसिबल वेज में तीनों को प्लस कर दो, टोटल अरेंजमेंट्स कितने हैं? ये 28 है, 8 है और 1 है, 28 प्लस 8 प्लस 1 36 और 1 37 वेज होंगे। ठीक है, चलिए आप अगर इसे लिखना चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। यहां बोलता है कि अ बैग हैज 5 रेड ओके 4 ब्लू एंड 4 ग्रीन मार्बल्स ओके। तो यहां पर 5 रेड है, 4 ब्लू है और 4 ग्रीन मार्बल्स है। इफ ऑल आर ड्रॉन वन बाय वन एंड देयर कलर्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स कैन बी फाउंड।
तो यहां लिखो सबसे पहले टोटल बॉल्स, आपको क्या लिखना है यहां पर, यहां आपको लिखना टोटल मार्बल्स, सॉरी बॉल्स नहीं, टोटल मार्बल्स, 5 रेड है, 4 ब्लू है और 4 ग्रीन है, तो ऐसे देखे जाए तो कितने हैं, 13 है, ठीक है। और यहां पर ये प्रकार देके रखा है कि रेड भैया है 5, ब्लू है दैट इज 4 और ग्रीन है दैट इज 4, ठीक है। तो टोटल अरेंजमेंट्स लिख लो, यहाँ कुछ नहीं है इसमें यार, ये लिखो टोटल अरेंजमेंट्स, टोटल अरेंजमेंट्स क्या होंगे, फैक्टोरियल 13 अपॉन में क्या होगा, अपॉन में, वेट अ मिनट, अपॉन में लिख दो दैट इज 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। सो टोटल अरेंजमेंट्स क्या होंगे, 13 को 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 और 5, 5 फैक्टोरियल लिख दो यहाँ और अपॉन की लाइन खींच दो, और अब अपॉन की जितने उनको लिख दो फैक्टोरियल 5, 4 को लिख दो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और फिर से लिख दो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्या होगा, 5 5 तो कट गया भैया, क्या क्या कटेगा देख लो आप, जो जो कटेगा उसको काट दो, जो जो कटेगा उसको काट दो, ये 4 2 जा 8 से 8 कट गया, 3 2 जा 6 से 6 कट गया, ठीक है, फिर ये 3 4 जा 12 से 12 भी कट गया, तो बचता क्या है, जो बचता है उसको लिख लो, जो बचता है वो है 13, साथ ही में 11, 10, 9 और 7, अपॉन में कुछ नहीं बचा है, ठीक है, अपॉन में इसके 1 कर दो, ठीक है, 13 इंटू 11, 13 इंटू 11 ये होगा 130 और 13, 143 हो गया, इंटू इन 963, 630 ही हो गया, चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 143 को 63 से, 33 जा 9, 34 जा 12, कैरी 1, 31 जा 3 और 14, और इसका डबल कर लो तो दैट इज 858 आ जाएगा, 858, चलिए प्लस कर लीजिए, ये 9009, ये हो गया 909, लेकिन हमने इसमें 63 में 143 का मल्टीप्लाई किया था, तो 909 लिख के एक और जीरो लगा दो, तो 90090 इसका आंसर होगा, इस तरह से इसको करना है। दोस्तों इस वीडियो में मैं यहीं पर रुकता हूँ, अगले वीडियो में हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सिंपल ये है, इसको फटाफट आप कर सकते हैं, कुछ ऐसा बहुत डिफिकल्ट नहीं है, अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि पूरी पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाए और जल्दी से मैं इसमें आगे बढ़ो, ठीक है, बीच में एक दिन मैं लाइव आकर आपके बाकी के सारे क्वेश्चन फटाफट करवा दूंगा, जिसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि लाइव आना ही पड़ेगा आपके लिए, लेकिन देखते हैं कैसे जमता है कैसे होता है, क्वेश्चंस में थोड़े दोनों चल रहे हैं साथ में, इसी कारण टाइम लग रहा है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि हम जो क्या कर रहे हैं, क्या कहते हैं कि डिटर्मिनेंट भी साथ में चल रहा है, ये भी साथ में चल रहा है, लेकिन हाँ डिटर्मिनेंट में एंड होने को तो ये भी आसानी से खत्म हो जाएगा, कोई चिंता मत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, जाने से पहले भैया कमेंट कर दीजिए कैसा आपको वीडियो लगा, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर भी कर लीजिए, थैंक यू वेरी मच, और एक और चीज़, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, धन्यवाद।